नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेट पर। बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने की जगह और बढ़ती जा रही है। एलोपैथी डॉक्टरों की नाराजगी झेलने के बाद अब उन्हें दूसरे देशों से भी झटके मिल रहे हैं। दरअसल पतंजलि की कोरोनिल किट पर भूटान ने पहले ही रोक लगा रखी है, लेकिन अब नेपाल ने भी इसके वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि रामदेव की कंपनी पतंजलि ने नेपाल को उपहार के तौर पर कोरोनिल की किट भेजी थी। हालांकि अब नेपाल की सरकार ने कहा है कि कोविड-19 में कोरोनिल के प्रभावी दवा होने के साक्ष्यों का अभाव है, इसलिए इसके वितरण पर रोक लगाई गई। खबर है कि नेपाल के आयुर्वेद और वैकल्पिक दवा विभाग ने एक आदेश में कहा है कि कोरोनिल की 1500 किट खरीदने के दौरान पूरी उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। पतंजलि का दावा है कि कोरोनिल कोरोना से लड़ने में मददगार है। नेपाल की सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोरोनिल किट में शामिल टैबलेट और नाक में डाला जाने वाला तेल कोरोना वायरस से लड़ने की दवाओं में समकक्ष नहीं है। हालांकि नेपाल की स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पतंजलि के उत्पादों पर आधिकारिक रूप से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि नेपाल की सरकार ने पतंजलि की आयुर्वेद आधारित कोरोनिल पर आधिकारिक रूप से बैन नहीं लगाया। नेपाल के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑब्जर्वेशन का भी हवाला दिया है। IMA ने भी योग गुरु बाबा रामदेव को कोरोना के खिलाफ कोरोनिल को प्रभावी साबित करने की चुनौती दी थी। हालांकि पतंजलि नेपाल का कहना है कि कोरोनिल किट को नेपाल में अभी तक रजिस्टर नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसके व्यावसायिक बिक्री वितरण नहीं होने की जानकारी दी गई। पतंजलि नेपाल की तरफ से यह किट बड़ी मात्रा में नेपाल सरकार को उपहार स्वरूप दिया गया था। अभी यह व्यावसायिक रूप से बिक्री वितरण नहीं किया जा रहा, उसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। अभी सिर्फ नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री को उपहार स्वरूप दिया गया था और इसे व्यावसायिक बिक्री वितरण से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए। भूटान के बाद नेपाल दूसरा देश है जिसने कोरोनिल किट के वितरण पर रोक लगाई है। भूटान के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी देश में कोरोनिल के वितरण पर रोक लगा दी है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।